आज जितनी भी सब्जियाँ खरीदेंगे उसको आज बेचने का अपन लोग ट्राई करेंगे। देखते हैं कि एक ही दिन में सब्जी जो बिकी, चाहे कुछ भी रेट में बेचना पड़े, लेकिन आज ही बेचना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है शनिवार 7 मई और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो गाइस, ऐसा कि आज अपन लोग जाने वाले हैं देवरी का बाज़ार, और अभी जो है मैं नहा वहाँ के रेडी हो गया हूँ। यहाँ से अब थोड़ी देर में निकालना है अपने को तखतपुर सब्जी मंडी के लिए, और पता करेंगे कि वहाँ लगभग 2 दिन हो गया गाइस कि मेरे को सब्जी मंडी नहीं जा रहा हूँ मैं, तो रेट जो है पता नहीं क्या है। तो जाके सबसे पहले यही पता करेंगे कि मंडी में क्या रेट चल रहा है सब्जियों का, फिर सब्जी खरीदेंगे। और आज जो है, मतलब आज के व्लॉग में थोड़ा सा ये करने वाले हैं, अपन चैलेंज लेने वाले हैं कि एक फिक्स अमाउंट की कम से कम जो है 3,000-3,500 के आसपास की सब्जियाँ खरीदेंगे, और उसको आज ही के डेट में अपने को सेल करना है एक दिन में, और देखते हैं कि आज इतनी सारी सब्जियाँ जो है सेल होती है कि नहीं। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले सब्जी खरीदने जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर आप लोग को मैं मिलूँगा सीधे अब घर पहुँचने के बाद, वहाँ से निकलेंगे सब्जी खरीदने के लिए। सो गाइस, अभी जो है 8:30 बज रहे हैं सुबह के, और अभी सब्जियाँ खरीदने के लिए जाने वाले हैं। भाई, जो जिस ऑटो में मतलब सब्जी खरीद के लाता हूँ भाई का भी वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया यार वो। पता नहीं सब्जियाँ जो है मार्केट में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और नहीं मिली तो क्या रेट में मिलेंगी। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं और सब्जियाँ खरीदते हैं। ठीक है गाइस, मिलता हूँ फिर आप लोग से आगे। तो गाइस, फाइनली अपना गाड़ी आ गया, बहुत लेट कर दिया भाई, लेकिन ये भाई बता रहा है कि सब्जियाँ जो सस्ती है मिल जाएगी करके। तो चलो मार्केट में जो है जाके देखते हैं कि सब्जियाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसका बात सही होता है कि नहीं। चलो गाइस, यहाँ गाड़ी में पेट्रोल भी डला लिया जाए। पेट्रोल डलाने के बाद जो है चलते हैं मंडी और देखते हैं कि वहाँ आज मौसम तो ख़राब है, हो सकता है सब्जियाँ सस्ता होंगी, क्या रेट में मिलता है। और आज जितनी भी सब्जियाँ खरीदेंगे उसको आज ही बेचने का अपन लोग ट्राई करेंगे। देखते हैं कि एक ही दिन में सब्जी जो बिकी, चाहे कुछ भी रेट में बेचना पड़े, लेकिन आज ही बेचना है। और क्या बोलते हैं, शाम को आप लोग को पता जाएगा, इसलिए आज के ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना भाई लोग। ये देखिए बाकी लोग सब सब्जी भर रहे हैं खरीद के। सो गाइस, पहुंच चुके हैं अपन सब्जी मार्केट, और चलिए सब्जियों का क्या भाव चल रहा है वो पता करते हैं और ख़रीदना शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए आज मार्केट अभी तो उतना लग नहीं रहा है। चलो फिर, टमाटर लेना। टमाटर कहाँ है, टमाटर का मालिक भैया? अच्छा दिखा, सभी बहुत तगड़ा टमाटर है भाई, लेकिन इसका मालिक जो है गायब है। ले के चली का सीधा उड़ा दिए। तो गाइस देखिए मार्केट काट भी है पाला बदल भैया कटका से 100 है का 150 कटका से लगा बे 80 ज़्यादा होता है, 40 के लगा लें दे दें सब लगा 60 में आधे भैया 15 भाटा 20 तो हम ही बेचन 15 लगाओ यार, तो दोनों बोरी तोल दे, बहुत मांग दे भाई हम भैया से। काट भैया टमाटर बता लो, बताए तो टमाटर लो है 650। करेला गाइस 25 बोल रहे हैं, हम 15 मांग रहे हैं भाई, लेकिन नहीं आएगा बता रहे हैं। होती बार तो टाट हो गए, ये ढीला हो गए एकदम, इतनी बरसात हाथ नहीं है। सो गाइस, 9:30 बज रहे हैं अभी सुबह के, और सब्जियां की बात करें तो रेट ऐसा है गाइस कि जो भाटा है वो बता रहे हैं कि 20 रुपये किलो, करेला जो है 20 रुपये थोक में, और भिंडी है 5 रुपये किलो, गंवार फली है 10 रुपये किलो, और बरबट्टी है 8 रुपये किलो, टमाटर जो है 700 रुपये के रेट, ऐसा रेट है। तो चलिए कुछ कुछ सब्जियाँ खरीदते हैं। करेला बस ख़रीदा हूँ मैं जो है अभी, और आगे देखते हैं क्या रेट में मिलता है, फिर मिलता हूँ आप लोग को सभी सब्जियाँ खरीदने के बाद। सो गाइस, अभी भिंडी लिया हूँ मैं 22 किलो 5 रुपये के रेट में। तो भिंडी को लेके जा रहे हैं ऑटो के पास, और बरबट्टी बस और लेना है, 3-4 सब्जियाँ लगभग हो गई है। तो चलो इसको उलझवाता हूँ भिंडी को, फिर बरबट्टी लेने चलेंगे। तो गाइज़, अभी 11 बज रहे हैं सुबह के, और यहाँ से निकल रहे हैं सभी सब्जियाँ जो है देख सकते हैं खरीद ली हैं ये अपना गाड़ी। तो चलो घर चलते हैं फिर। तो गाइज़, अभी शाम के बज रहे हैं 3:30, और सब्जियाँ लेके
पहुंच चुके हैं घर और सोया था अभी तो सो के उठाऊँ, बस गाड़ी आने का वेट कर रहे हैं, फिर चलेंगे अपन लोग देवरी का बाज़ार और जितनी सब्जी आज ले के आए सबको बेचने का प्रयास रहेगा। तो क्या होता है मार्केट में आज के वो तो मार्केट जाने की ही बात पता चलेगा, और कौन कौन सी सब्जियाँ लेकर आया हूँ मैं जो सभी चीज़ें उसको मार्केट में आप लोग को सीधा दिखा दूँगा क्वालिटी कैसा है और कितना कितना क्वांटिटी में जो है मैं लेके आया हूँ। तो चलो अब मैं आप लोग से सीधा मिलता हूँ मेरी गाड़ी आने के बाद। तो गाइस अपना ऑटो जो है आ चुका है, देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं देवरी के बाज़ार की। ये देखिए अपना गाड़ी सामान इसमें भरा है और अभी जा रहे हैं हम लोग देवरी का बाज़ार। तो चलो गाइस मिलता हूँ आप लोगों से मैं देवरी के बाज़ार। सो गाइस देख सकते हैं बाज़ार अपन पहुँच गए, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं मार्केट। देखिए पीछे गाड़ी जो है अपना आ गया है और अपना जगह जो है पीछे अभी पूरी तरीके से खाली है, लगा लीजिए। तो चलिए सामान को जो है गाड़ी से नीचे उतारते हैं, फिर दुकान वकान लगाते हैं, उसके बाद जो है आप लोग से मिलता हूँ गाइस। तो गाइस अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के और देख सकते हैं दुकान जो है अपना लग के तैयार हो गए, क्या क्या सब्जियाँ लेके आए हैं उसको आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये जो देख रहे हैं ये है अपना दुकान। शुरू होता है करेला, ढोड़का, बरबट्टी, टमाटर, फिर आता है भाटा, भिंडी और लौकी। तो इतना सारा सामान आया है गाइस और क्या क्या रेट है इसको बता रहे हैं आपको। तो गाइस रेट बताता हूँ आप लोग को क्या क्या रेट है। तो ऐसा गाइस करेला जो है बेच रहा हूँ मैं 30 रुपये किलो, ढोड़का है 20 और जो बरबट्टी है भाई 20 रुपये किलो बरबट्टी की, टमाटर है 40, भाटा है 40 रुपये किलो और भिंडी 20 का डेढ़ 15 रुपये किलो और लौकी को 10 रुपये नंग। तो ये प्राइस में बेच रहे हैं, अब देखते हैं शाम तक आज इतनी सब्जियों को मेरे को बेच के ही घर जाना है और बिकता है कि नहीं वो तो शाम को ही पता चलेगा, शाम तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा। तो बने रहिए आज के व्लॉग में और लास्ट तक जरूर देखें, ये सबको बेच के आज घर चलेंगे, ठीक है। तो गाइस कुछ समय पहले आधा घंटा पहले पूरा बाज़ार जो है खाली था, लेकिन अभी सभी सब्जी वालों ने अपना अपना दुकान लगभग लगा लिया है। ये देखिए ये है प्रदीप भैया जो कि ऑटो के ऊपर बैठे हुए हैं, पानी ले जाने आए थे गाइस, ठीक प्रदीप भैया जा रहे हैं। और गाइस ये है अपना दुकान, देखते हैं आज कितना सामान जो है निकलता है, फिर मिलते हैं अब बेचने के बाद। 7:30 बज रहे हैं और देखो चलिए मार्केट जो है कुछ खास नहीं है यार, बहुत सारा सब्जी जो है बचे। हाँ भैया टमाटर 40 गाड़ी मार आधा किलो एकदम कम रेट में बेच, फिर भैया भिंडी बस बिका है और मेरा नहीं सभी का यही हाल है देख सकते हैं पूरा। तो ठीक है गाइस अभी जो है 8 बज रहे हैं शाम को और देखिए पूरा मार्केट जो है हो गया है यहाँ से ख़त्म, अपन भी निकलने वाले हैं, देखिए गाड़ी में पूरा सामान लोड कर लिए। तो चलो यहाँ से निकलते हैं घर और सीधा आप लोग से घर मिलते हैं और बताता हूँ कि क्या हाल रहा मार्केट का। चलो तो गाइस पहुंच चुके हैं मार्केट से जो है घर, अभी 9 बज रहे हैं रात के और जो सब्जियां है उसको देख सकते हैं पूरा कैरेट में भर के रख दिया हूं। ये टमाटर और टमाटर के नीचे है भाई साहब, इसमें है भाटा और इधर है लौकी और ये भी लौकी है, इसमें ढोड़का और करेला है नीचे करेला और उधर है बरबट्टी। तो ये आइटम है, चलो फिर अभी हाथ पैर धोता हूँ फिर उसके बाद जो है सीधा रूम के अंदर मिलते हैं और बातें करते हैं कि कैसा रहा मार्केट। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:30, खाना वाना खा के जस्ट अभी तैयार हुआ मैं वीडियो को शूट करने के लिए। तो गाइस ऐसा है आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट मतलब अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा रद्दी था मार्केट जो बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतनी सब्जियां आई थी कि ज़्यादा ही हो गया था और बहुत ही कम रेट पे सब्जियां बेचना पड़ा यार। मैंने वहां आप लोग को बताया था कि बरबट्टी 20 बेच रहे हूँ करके, लेकिन बरबट्टी को जो है 10 रुपये किलो में बरबट्टी, 10 रुपये किलो में भिंडी, 20 रुपये किलो में भाटा, 20 रुपये किलो में करेला और 40 रुपये किलो में टमाटर, बस 40 बीका, फिर बाकी सभी सब्जियों का जो रेट है वो गिर गया। मतलब 10 रुपये में भिंडी, 10 रुपये में बरबट्टी और 10 रुपये किलो में ढोड़का, ये तीन चीज़ें जो है 10 रुपये किलो में बिकी और उसमें भी सब्जियां जो है बच गई मतलब पूरी तरीके से। और धंधे की बात करें तो मैं कितना सब्जी लेके आया था उसको आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो गाइस मैं आज लेके आया था 1862 रुपये का सामान लेके आया था टोटल
और उसमें क्या क्या सामान था, कितना कितना लेके आया उसको आप लोग को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टमाटर लेके आया था भाई 700 रुपए कैरेट में, एक कैरेट टमाटर था अपना। भाटा लेके आया था मैं 16 रुपए किलो में, 15.5 किलो भाटा जो कि बनता है अपना 248 रुपए का भाटा। करेला लेके आया था गाइस मैं 16 किलो करेला था 20 रुपए किलो के भाव में जो कि बनता है अपना 320 रुपए का करेला। बरबट्टी लेके आया था मैं 11 रुपए किलो में, 13 किलो बरबट्टी जिसको जो है 10 रुपए किलो बेचा लेकिन फिर भी बच गया, 1 रुपए के घाटे में बेचा लेकिन फिर भी बच गया है, मतलब लगभग 5-6 किलो ही बिका है, 5-6 किलो बच गया है, 13 किलो था तो। बरबट्टी होता है अपना 140 रुपए का। लौकी लेके आया था भाई 5 रुपए नंग में, मतलब एक पीस पड़ा था मेरे को 5 रुपए और टोटल मैं लेके आया था 34 पीस जो कि बनता है अपना 136 रुपए का। ढोड़का लेके आया था गाइस 13 किलो ढोड़का 8 रुपए के रेट में जो कि बनता है अपना 104 रुपए का। भाई भिंडी लेके आया था 5 रुपए किलो में, 22 किलो भिंडी लेके आया था जो कि बनता है अपना 110 रुपए। तो भिंडी को 10 ही बेचा, चलो भिंडी में तो 5 रुपए कम से कम कमा लिए। और टोटल ये सभी करके अपना बनता है गाइस बनता है 1762 और 100 रुपए अपना गाड़ी किराया मान लेते हैं, मतलब 1862, ठीक है। तो ऐसे 1862 के सामान में मैं जो है लगभग अभी तक बेच डालूँ भाई 1400 रुपए के आसपास का सामान जो है मेरा बिक गया है ना। और 1400 रुपए का बिक गया तो मेरे को कितने का बनाना है उसको 462 रुपए का और बनाना है। अब जो बची हुई सब्जी है उसको दिखाए हूँ आप लोगों को क्या क्या बचा है, सवेरे उसको लेके जाएंगे बेचने और देखते हैं कि अपना जो लॉस अभी तक चल रहा है वो रिकवर होता है कि नहीं और कितने का प्रॉफिट जो मिलता है। इन गाइस ऐसा था कि आज के डेट में चैलेंज लिया था मैं किसी भी तरीके से बेचने ही है सब्जी करके, लेकिन नहीं बिका तो मैं क्या करूं यार, मतलब एकदम इतना कम रेट में बेचा फिर भी नहीं बिका तो अच्छा नहीं लगा यार। सोचा था बिक जाएगा, चैलेंज अपना कंप्लीट हो जाएगा करके, लेकिन नहीं हुआ। देखते हैं अब कल जो है बिकती है कि नहीं, क्या रेट में बिकती है सब्जियाँ जो है। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही था, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आने वाले टाइम पे आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।